जब लोग सोचते हैं कि हम यूरोप में एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन स्कॉलरशिप का होता है, फ्री एजुकेशन का। दूसरा क्वेश्चन उनका जॉब्स का होता है। तो जॉब्स के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने यूरोड्रीम्स चैनल के जो ओनर है, यूरोड्रीम्स चैनल जो चला रहे दीपांशु चौहान, आज मैंने उनको इनवाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इटली में लाइफ कैसी गुजर रही है और यहाँ पर हम स्कॉलरशिप कैसे अचीव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अपना इंट्रोडक्शन हमारे साथ करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु चौहान और मैं इटली में मास्टर स्टडीज़ कर रहा हूँ ग्लोबल इकोनॉमी इन बिजनेस में इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो। तो मैं भी ऐसे ही आफ्ताब भाई की तरह यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े यूट्यूबर है। नहीं नहीं, ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। तो आज आफ्ताब भाई ने इन्वाइट किया तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग प्लेटफॉर्म पर, ये भी चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, तो क्यों ना एक इनके प्लेटफॉर्म पर एक वीडियोस बनाया जाए जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू भाई। लोगों के साथ तो मैं बार बार शेयर कर रहा हूँ कि इटली में एजुकेशन फ्री है। मोस्टली यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ में एजुकेशन फ्री है, तो आपका इसमें क्या ख्याल है, आपका आइडिया क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? जहाँ तक की बात रही, 3 साल हो जाएंगे मुझे थोड़े टाइम बाद यहाँ पर, तो फ्री एजुकेशन कैसे है आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एक्चुअली गाइस, ये फ्री एजुकेशन होता है ओनली विद द बेस ऑफ स्कॉलरशिप। यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ना आपके मार्क्स पर डिपेंड करती है, वो सिर्फ आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अब स्कॉलरशिप्स बहुत टाइप्स की होती है। एक्चुअली ये जो स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है वो डिपेंड करती है रीजन टू रीजन। लाइक एक लोम्बार्डिया रीजन है, एक लाजियो रीजन है, तो लाजियो रीजन में अलग स्कॉलरशिप है, लोम्बार्डिया रीजन में अलग स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप रीजन टू रीजन डिपेंड करती है। अब स्कॉलरशिप से होता क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? स्कॉलरशिप से पहला तो आपको अप टू 5,200 यूरोज़ तक, इन इंडियन रुपीज़ का है तो लाइक 4,20,000, अगर पाकिस्तानी में कहे तो 10 लाख तक बन जाता है, 10 लाख तक बन जाता है। तो ये आपको इन कैश मिलता है आपके बैंक अकाउंट में। और सेकेंड ये रहता है कि आपको ट्यूशन फीस भी पे नहीं करनी पड़ती अगर आपके पास स्कॉलरशिप में रहती है। तो दो बेनिफिट मिल गए, तो आपको ट्यूशन फीस भी पे नहीं करना है और सेकेंडली आपके पास अमाउंट भी आ जाता है जिससे कि आप आपके लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। जी भाई, तो आप ये भी शेयर करें तो आपका एज ए स्टूडेंट इटली में एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए स्टूडेंट? जहाँ तक कि एक्सपीरियंस की बात रही तो आपको बता दूँ, जैसे मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन में भी कि मैं मास्टर्स कम्प्लीट होने वाला है, लाइक 2 ईयर्स एंड हाफ हो चुका है मुझे यहाँ पर, थीसिस और इंटर्नशिप बचा है, दैट्स इट। फिर कंप्लीट करने के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा यहाँ पर। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग में गाइस क्या होता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल्स और डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती। जैसे आप यहाँ पर लैंड होते हैं, उसके बाद सारे नए लोग रहते हैं आपके सामने और आपको फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी रहती है, जैसे कि आपको परमिट तो दी सुजोरों यहाँ का रेसिडेंट परमिट एप्लीकेशन करनी रहती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेना रहता है। तो ये सारी जी फॉर्मेलिटीज़ आपको पहले करनी रहेगी, उस टाइम पर आप बहुत टायर्ड भी रहते हैं उस टाइम, मतलब शुरू में थोड़े डिफिकल्टीज और फिर बाद में बंदा नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है इटली में। स्टार्टिंग में जब आएंगे तो उसी 3 to 4 months में ही आपकी एग्जाम्स रहती है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी रहती है। तो स्टार्टिंग में जैसे हो जाता है 6 months तक समझ लीजिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस करनी रहेगी, आफ्टर 6 months बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ कि लाइक मेरा फर्स्ट ईयर में जैसे मेरी एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मेरे अच्छे क्रेडिट्स होने पर मुझे एकोमोडेशन मिल गया था यूनिवर्सिटी में ही। तो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन के हॉस्टल्स जो होते हैं वो बहुत कूल होते हैं गाइस, लिटरली आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पर फिर लाइफ बहुत अलग हुई। वहाँ पर मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स से एक्सपोजर मिलता है। एंड फिर अगर एजुकेशन की बात करते हैं गाइस यहाँ पर, तो ओवरऑल मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के एजुकेशन से, क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर से वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल टीचिंग पे फोकस करते हैं रेदर देन वो रट्टू तोता वाला सीन जो अपन बात कर रहे थे। जिस तरह रट्टा हमारा सिस्टम होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल सिस्टम होता है। मैं आप लोगों को बार बार ये भी बता रहा हूँ। तो यही है इन दी एंड, यही कहूँगा कि और हाँ, लिविंग एक्सपेंसिस की बात करूँ तो मैंने कहा था आपको कि ट्यूशन जो स्कॉलरशिप हमें मिलती है उससे इनफ रहता है, ट्यूशन फीस हमारी जीरो है, लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करना है, 5,200 यूरोस ऑलरेडी स्कॉलरशिप से मिल रहे हैं तो उससे हमारे लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं। तो पेरेंट्स से मुझे डिमांड करने की कोई ऐसा बर्डन नहीं मिला कोई, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसी तरीके से फ्रीली लाइफ हुई है, फ्रीली मेरा यहाँ पर एमएस कंप्लीट हो गया मास्टर स्टडीज। और ये भी शेयर करें कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मींस क्लासेस ड्यूरेशन, मींस क्लासेस अरेंजमेंट, मींस प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन आपने कैसा करना है, इसके साथ साथ ये सब कुछ आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा रहा? जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम की बात रही तो मैं बेसिकली आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना पड़ूँ
बताना चाहूँगा, आपको क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसा इंडिया और पाकिस्तान में हो कहता है कोर्स वास्ट रहता है और उसे हमें पढ़ना रहता है, तो वास्ट कोर्स में हम ज़्यादातर ग्रैब नहीं कर पाते चीज़ों को। यहाँ पर ये बात ये रहती है कि यहाँ पर कोर्स आपका शॉर्ट रहेगा, प्रिसाइज कोर्स रहेगा और उसे आपको पढ़ना रहेगा, तो वो आप बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं और समझ पाते हैं। मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सच बताओ आपको, तो कम कोर्स रहेगा और आप उसी चीज़ को अच्छे से समझिए, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स यहाँ पर लाइक जनवरी फरवरी में होती है फर्स्ट सेमेस्टर, एंड यू हैव जून जुलाई में सेकेंड सेमेस्टर। तो एग्ज़ाम्स जो रहेगी वो आपकी रिटर्न हो सकती है, ओरल हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। तो दोनों बेसिक, लाइक अगर रिटर्न भी हो रही है और ओरल भी हो रही है, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल को बढ़ाता ही है कहीं ना कहीं, ये बेनिफिट मिलता है। क्लासेस की अगर हम बात करते हैं, तो क्लासेस लाइक 2 to 3 hours रहती है, लाइक 1 hour की क्लास रहती है, कुछ कुछ क्लासेस 2 hours की रहती है, कुछ क्लासेस 3 hours की रहती है, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। और कई बार तो अफ्ताब भाई ऐसा हुआ है कि हमारी क्लास लाइक 5 to 7 इवनिंग में हो गई है, मतलब 5 to 7 रात को हम क्लास ले रहे थे, वो बहुत रेयरली होता है ऐसा, लेकिन ये होता जी है। भाई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्या होता है, एरास्मस का है, लोग एरास्मस के बारे में पूछ रहे जी। गाइज आप लोगों को इरेस्मस के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टर्म है अगर आप यूरोप में पढ़ते हैं कहीं पर भी। तो इरेस्मस में ऐसा रहता है गाइज कि इंटर्नशिप फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका मास्टर्स या बैचलर्स हो तो यहाँ पर इंटर्नशिप आपको करनी रहती है। एज सपोज आपको इंटर्नशिप करनी है, लाइक आपको किस आप इरेस्मस के थ्रू किसी भी यूरोपियन कंट्री में इंटर्नशिप कर सकते हैं 3 to 6 months की, और इसी में आपको इरेस्मस के थ्रू स्टिपेंड मिलता है। लाइक सपोज मैंने एग्जांपल देते हैं हम जर्मनी का, सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू जर्मनी फॉर योर इंटर्नशिप, तो आपको इरेस्मस की तरफ से 300 to 400 यूरोस पर मंथ मिलेंगे, और इंटर्नशिप का पेमेंट भी मिल सकता है अगर आप आपकी पेड, लाइक जनरली यहाँ पर नॉन अनपेड इंटर्नशिप्स मिलती है, लेकिन अगर पेड इंटर्नशिप मिलती तो वहाँ से भी इंटर्नशिप का पैसा मिलेगा और इरेस्मस से भी मिलता, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। जब लोग सोचते हैं कि हम यूरोप में एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन स्कॉलरशिप का होता है, फ्री एजुकेशन का, जो हमने डिटेल में बता दिया। दूसरा क्वेश्चन उनका जॉब्स का होता है, तो जॉब्स के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है? जॉब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है मुझसे खुद से भी, तो यही मैंने एक वीडियो भी बनाया जॉब्स इन इटली के ऊपर, बेसिकली अगर आपने भी देखा हो भाईजान तो उसमें भी यही बताया गया है मैंने कि देखिए पहले तो यूनिवर्सिटी कैंपस में आप ट्राई कीजिए जॉब्स के लिए, एक ऑप्शन ये रहता है कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, लाइक हमें जब हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसे आए थे तो वो गाइडेंस नहीं दी थी हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने, तो वो जॉब आपको मिल सकती है। सेकेंड अगर हम बात करें तो लाइक डिलीवरी जॉब्स की बात कर रहे थे, तो बेसिकली जो हर किसी को मिल जाती है बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ में आप डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं रोम में, मिलान में, फ्लोरेंस में, बेसिकली भी बहुत सारे आसानी से मिल सकता है फ्लोरेंस में, तो इन कंट्रीज़ में सॉरी इन सिटीज़ में आपको इजीली जॉब मिल जाती है डिलीवरी की। जहाँ तक बात करें हम गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट जॉब मैं ये बताना चाहूँगा अब तक भाई इंग्लिश टीचिंग की। ओके, इंग्लिश टीचिंग की, क्योंकि यहाँ पर इटालियंस अपने किड्स को लिटरली इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, तो वो जॉब्स यहाँ पर लाइक इंडियंस और पाकिस्तानी अच्छा बोल लेते हैं इंग्लिश, तो वो उनको बेनिफिट करता है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर वो टीच कर सकते हैं इंग्लिश। और अगर हम बात करें कि अब आपके पास एक बेसिक इटालियन लैंग्वेज का नॉलेज है, तो उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी ओपन हो जाती है, जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स में जॉब कर सकते हैं, होटल्स में जॉब कर सकते हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएगी, शॉप्स में भी आपको जॉब मिल सकती है अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेसिक इटालियन लैंग्वेज का नॉलेज हो तो। ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। लास्ट में आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज, सो गाइस मैसेज में यही कहना चाहूँगा आप लोगों की, आपको पता है यहाँ पर बता रहे हैं हम दोनों अफ्ताब भाई भी और मैं भी कि फ्री एजुकेशन है, तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। और जहाँ तक कि मैं एक बात बताऊँ, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ जो जिसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो जब मैं यहाँ पर आ सकता हूँ तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। फ्री एजुकेशन है, ज़्यादा पैसा लगना नहीं है, तो क्यों ना ये ऑप्शन को हम अपनाएं, क्योंकि आपका पैसा कम लगने वाला है, एजुकेशन आपको क्वालिटी वाला मिलने वाला, तो ये तो एक क्या कह सकते हैं हमें वर्दी ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए। तो बस इन दी एंड यही कहूँगा कि आप लोगों के जितने भी ड्रीम्स है आपके यहाँ पर आने के, मेरे चैनल का नेम ही यूरो ड्रीम्स है और यूरो क्रेज़ आपका चैनल है, तो यूरो ड्रीम्स है, तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी बंदों की ड्रीम्स है ना, जो मेरे जैसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं उनके लिए ही ऑप्शन लेकर आता हूँ, पोलैंड, लातविया, लिथुएनिया, इटली बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसलिए यही कहूँगा इन दी एंड कि आई प्रे फ्रॉम गॉड, अल्लाह से भी, कि आप लोगों की सारों की जितने भी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई मेरा वीज़ा लगा दे, तो हम वीज़ा कैसे लगा दे? वीज़ा लगवाना गाइस किसी के भी हाथ में नहीं है, अगर आपको कोई बोल रहा हो तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पर, आपके इंटरव्यू पर,
और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आपके लक पर भी। हाँ, लक पर। तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं। रिक्वायरमेंट बंदा पूरा करके उसके बाद लक और उसके डॉक्यूमेंटेशन और उसके इंटरव्यू पर भी डिपेंड करता है। लेकिन लोग डायरेक्ट यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरा इस सेशन के लिए वीज़ा लगा दे, मुझसे टाइम गुजर रहा है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट नहीं करता। इसके हवाले से लोगों को बता दें कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स कम्प्लीट कर उसके बाद ही वीज़ा लगता है। जी भाई, यही बात है। ये तो मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन तो इम्पोर्टेंट है, वीज़ा लगवा कोई नहीं सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मुझे भी, बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे भी मैसेज करते हैं, लेकिन अब आफ्ताब भाई को आप मैसेज करिएगा, बढ़िया रिप्लाई भी करते हैं वो टाइम टू टाइम। तो इन्हें सपोर्ट करिए बस ऐसे ही जैसे आप करते आ रहे हैं। बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। श्योर। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। दीपांशु चौहान को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय। ओके, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।